हेलो दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है आज हम बात करेंगे अगर आप कंप्यूटर में एड एफ फोटोशॉप सेवन पॉइंट जीरो यूज़ करते हैं और उसमें कोई प्रॉब्लम आता है मतलब कोई भी आप जो सेटिंग चेंज किया है आपने आपको नहीं आ रहा है तो आप कैसे फिक्स करेंगे मतलब ठीक करेंगे और दूसरी कोई भी काम करने के समय आपको प्रॉब्लम आ रहा है मतलब ठीक ठाक काम नहीं कर रहा है तो आप कैसे ठीक करेंगे तो इसकी दो प्रोसेस है एक है आपके कंप्यूटर में जो भी फोटोशॉप सेवन जीरो सॉफ्टवेयर uh, इंस्टॉल है उसको अनइंस्टॉल करना होगा उसके बाद इंस्टॉल करना होगा तो ये तो प्रोसेस आप जानते हैं और दूसरी प्रोसेस है आपके कंप्यूटर uh, में वो सेम सॉफ्टवेयर ही रहेगा मतलब सेवन पॉइंट जीरो तो उसके अंदर जो सेटिंग होगा उसको आपको रीसेट करना होगा रिसेट करने से आपकी जो फोटोश uh, है वो पहले जैसा हो जाएगा मतलब आप जब कंप्यूटर में कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो फर्स्ट टाइम जैसा होता है तो उस तरह से आपका हो जाएगा तो कैसे आप इस फोटोश की सेटिंग जो रिसेट करेंगे मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा तो वीडियो को लास्ट तक देखिए तो आपकी पूरी समझ में आ जाएगा मैं स्टेप बाय स्टेप अपना दिखा दूंगा आपको

में लेके आना होगा तो देखिए यहां मैंने शॉर्टकट लेके आया हूं मैं तो आपके ये, ये जब डेस्कटॉप में आ जाएगा तो आपको कीबोर्ड में जाना होगा कीबोर्ड में जाने के बाद आपको कंट्रोल, ऑल्ट और शिफ्ट ये तीनों की को एक साथ दबाना होगा कंट्रोल, ऑल्ट और शिफ्ट इसको तीनों को दबा दबाने के बाद आपके इस एडप फोटोशॉप के राइट क्लिक करना होगा करने के बाद ओपन जो दिखा रहा है यहां आपको क्लिक करना होगा क्लिक करने के बाद आप देखेंगे डिलीट द एडअप फोटोशॉप सेटिंग फाइल ये आ रहा है तो आपको यहां यस करना होगा तो अगर यस करने से पहले आपने कीबोर्ड में जो थ्री की को आपको दबा के रखें उसको छोड़ दीजिए उसके बाद यस बटन में आपको क्लिक करना होगा क्लिक करने के बाद यहाँ ओके बटन में क्लिक करना होगा क्लिक करने के बाद आपको यहाँ अगर कोई कलर का सेटिंग चाहिए तो यस करके आप कलर सेटिंग कर सकते हैं और अगर चाहते हैं कि बाद में करेंगे तो बाद में कर सकते हैं तो बाद में करने के लिए आपको नो बटन में क्लिक करना होगा तो अब देखिए आपकी जो एड ऑफ फोटोसवन पॉइंट जीरो है वो पहले जैसा हो चुका है मतलब आप फर्स्ट टाइम जब इंस्टॉल करते हैं तो आपके एड ऑफ जैसा होता है वैसा हो चुका है इसके बाद अगर आप कोई भी सेटिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं आपने पहले अभी कोई भी अगर इन चेंज किया है तो वो नहीं है अभी वो पूरी चेंज हो चुका है तो इस तरह से आपकी जो एड फोर्सअप है आप आपकी सेटिंग जो है रीसेट कर सकते हैं आप लोग तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी दे थी अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन में जरूर क्लिक करना है दोस्तों के साथ तो शेयर करना वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच आज यहीं तक